देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है, जिसके अंदर जैसी भाव होती है कांग्रेस क्यों डरी हुई है? या कांग्रेस, हमारे गांव की कहावत है, चलनी दूसरे सूप को, माने चलनी जिसमें सहस्त्र छेद, जो पूरे कार्यकाल में आपातकाल लोकतंत्र के लिए कांग्रेस के जमाने में 74 का आपातकाल लोगों ने देखा। और रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि जरा कांग्रेस को मुड़कर देखें। कांग्रेस अपने शासन काल में लोगों का चेहरा देख के शासन और कानून चलाता था, मोदी कानून से चलाते हैं। और यहां आपातकाल होता तो अफजल गुरु आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट नहीं बैठता, और आप ही लोग उसके जन्मदाता हैं। और भारत के अंदर अगर कोई आपातकाल कहता है तो मैं समझता हूं वो भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा है, और कुछ नहीं है कांग्रेस के पास में। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू किया है कांग्रेस पार्टी। चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी आजकल अब है हिम्मत तो वो जाकर के ऑथेंटिकेट करके बोले, तो आरोप लगाना आसान है कांग्रेस के लिए, लेकिन ये ख्याल रखें कि मोदी को गाली देते देते देश को गाली ना दे, देश को अपमानित ना करे।